गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। सदा शिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रुतिस्मृतिपुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। तो भगवान अहंकार के बारे में एक बात बताए, क्या है? समूल कृत्तोपि महान हाम पुनः व्युल्लेखित स्यात् यद्यपि चेतसा क्षणम्। एक क्षण को भी मन में वृत्ति को आप डालने से, लगाने से, लाने से, जोर लगाने से, तादात्म्य होने से, समूल कृत्तोपि महान हम पुनः व्युल्लेखित स्यात् फिर दोबारा वापस जीवित हो जाता है। संजीवयति विक्षेप शतं करोति, बस एक थॉट काफी है, विक्षेप शतं करोति। अब जरा आप देखिएगा, एक ही थॉट, एक वृत्ति के कारण विक्षेप शतं करोति, ये अनुभव से सिद्ध हुआ सबको। कि आप देखिएगा, शांति से बैठा है घर पर, अचानक आपको एक विचार आया कि वहां जाके उनसे मिलेंगे, किसी एक व्यक्ति से, एक थॉट आया ना। इसके बाद आप देखिएगा कितना विक्षेप कर देता है वो आपको, कैसे जाएं, किसके साथ जाएं, कब जाएं, फ़ोन करके पूछ लो है कि नहीं, खाना माँ खाना पे बुलाएंगे तो फिर मना करना है, खाना बना के जाना है, खाना बनाने के लिए जल्दी बनाना है, जल्दी बनाने के लिए सब्जी गिब्जी नहीं है घर पर, बुलाने वाला कोई नहीं है। देखो एक नहीं, अनेक विक्षेप जीवन में ऐसे फंस जाते हैं। एक वृत्ति को स्वीकार करके अपनाने से विक्षतम विक्षेप, क्या है, विक्षेप शतं करोति। ये कोई भी हो वृत्ति, कैंप करना है, फंस गया, ये
किया, कब जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्या व्यवस्था है। अलग अलग लोग होते हैं, दिमाग सीधे नहीं होते कुछ लोगों की। अब इन सबको संभालना है, संसार कहाँ से पड़ जाता है सर, संकल्प कुजली, एक थॉट विक्षेप शतंग करोति। तो ये आपको सावधान कराया, कैसे करा, नभस्पदा प्रावृषि वारदो यथा, कैसे, जिस प्रकार वर्षा ऋतु में मेघ हवा से घनीभूत हो जाता है, इसी तरह। ठीक है, अच्छा, इसका ये अहंकार पुष्टि का केंद्र क्या है, आरंभ कहाँ होता है, आरंभ कहाँ होता है। अब इसके पर ही सावधान कराते हुए हमको भगवान आचार्य जी, शंकराचार्य जी आगे ले जाते हैं। क्या कहते हैं, निगृह्य शत्रोरहमोऽवकाशः, क्वच्छिन्न देयो विषयानुचिन्तया, स एव सञ्जीवन हेतुरस्य, प्रक्षीण जम्बीर तरोरिवाम्बुः। निगृह्य शत्रोरहमोऽवकाशः, क्वचिन्न देयो विषयानुचिन्तया, स एव सञ्जीवन हेतुरस्य, तरोरिवाम्बुः। भगवान कहते हैं, निगृह्य शत्रोः अहम्, शत्रु क्या है, अहम भाव। इस पहले बता दिया ना स्वशत्रु, पिछले श्लोक में क्या कहा गया, अहंकार क्या है, तस्माद अहंकारम इमम स्वशत्रुम, 307 वहां पे बताया गया, स्वशत्रुम कहा गया अहंकार का, अहंकार को क्या कहा गया, स्वशत्रुम, अपना शत्रु। यहां पे वो याद दिला रहे, निगृह, उस शत्रु को निग्रह करना, माने करना कैसे, कर मनोनिग्रह बोलो, बुद्धि निग्रह बोलो, अहंकार को वश में लाने का निगृहिया, अहंकार को बिना अपना फन उठाना नहीं देते हुए, ठीक है, पणों को, अहमह और अवकाशः, अवकाश माने मौका, इस अहंकार को मौका, क्वचिन्न देयः, किंचित अवकाश भी इस अहंकार को मत देना। भाई अहंकार का अवकाश मौका कहाँ शुरू होता है, कैसे होता है, विषयानुचिंतया, बस ये है गेटवे। व्हाट इज एंट्री पॉइंट, विषय चिंतन। आप एक टेंट में बैठा है, एक ऊंट अपना पहला मुंह ढाला, कुछ क्षणों में आपको बाहर निकाल दिया, समझ में आया ना आपको, उदाहरण जानते हैं ना, हाँ, ये एक पहला मुंह डाल के देखता है कौन कौन है इस छावनी में, फिर धीरे धीरे पूरा अंदर आ जाए, इतना बड़ा कैमल ऊंट, फिर आपको क्या, डर के मारे बाहर निकल गए। विषय चिंतन के द्वारा अहंकार हमारे अंदर प्रवेश करता है, क्योंकि जितना विषय चिंतन आप करते हैं उतना आपके अपने अहंकार की पुष्टि हो जाती है, अपना अहंकार की पुष्टि कैसे होती है, विषय चिंतन के द्वारा। तो भगवान कहते हैं विषय चिंतन को सबसे पहले रोको, सावधान, मन में सावधान रहना है। बैठे बैठे कहीं सोचते रहते हैं, बस सोच हमको ले जाता है, दूर ले जाता है, एक बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक,
इसे भगवान श्री कृष्ण गीता में हमसे हमको कहते हैं, पांचवा अध्याय में, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवान्तरे ध्रुवो। पहला ये पहला पंक्ति ले लो, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, विषयान विषय वस्तुओं को कृत्वा बहिर्बाह्यान, वो अंदर बाहर ही रहने दो। हमारा क्या चिंतन क्या है, एक महात्मा जी बताते हैं, बस में आप अकेले जा रहे हो, टिकट एक ही टिकट लेते हो मगर 10-12 लोगों को मुफ्त में ले जाते हो। कैसे ले जाते हो? आपके मन में जाते हो अकेला, अकेले जब जाते हैं बैठ में, बस में बैठ जाते हैं, मगर मन में सारा परिवार, पत्नी पति बच्चे दादू दादी नानू नानी टुट्टू डिंडू बुंडू सब लोग आ गए मन में। माने हमारे संसार को अंदर ही हम साथ में ले जाते हैं, और याद भी संसार, मैं माफी मांगता हूँ गलत मत समझना, संसार को अपने आप को याद दिलाने के लिए पर्स में तरह तरह के फोटोस रखते हैं, पर्स खोलते ही दर्शन होना है, किसका ये नहीं बता रहा हूं मैं। कुछ कम लोग दुनिया में कुछ अपने गुरु का रखते होंगे, कई लोग अपने परिवार के पत्नी की फोटो या पति का फोटो, इनका फोटो उनका फोटो रखते हैं। मैंने खोलते ही याद आना है, ले जाते हैं हम मन में। भगवान क्या कहते हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्भाग्यान, इसका मतलब क्या है, सब सावधान रहना है। व्यवहार काल में ही कोई एक विषय वस्तु अंदर प्रवेश करने देते हैं, फिर उस व्यवहार के समाप्त में फिर कभी, एक कहानी आप जानते हैं ना, गुरुदेव बुद्ध जिन स्टोरी है ये, बुद्ध गुरुदेव बहुत बार कहते थे इस स्टोरी को। एक साधु और अपने शिष्य के साथ नदी किनारे किनारे कहीं जा रहे थे। आप जैक सुने होंगे, सोने कान सुन लिया ना, तो फिर बोलना जरूरी नहीं है, भूल जाते हैं। वहाँ पे एक लड़की गिर गई पानी के अंदर, वो बेचारे तड़प रहे थे कि वो अपने सांस खुल नहीं रहा है, डूबते जा रही है, तो चिल्ला रही है मदद हेल्प करो हेल्प करो। ये बिना सोचे शिष्य उसको गया उठाया अपने हाथों पे कंधों पर बिठाया, फिर बाहर खींच के लेके आया, उसको बचाया, फिर चल गए। गुरु को गुस्सा आया, बोले क्या है लड़की को आप ऐसा पकड़ते हो, आलिंगन करते हो, उठाते हो, लड़की वहाँ पे रखते हो, शर्म नहीं आते, फिर ब्रह्मचर्य का भंग हो जाता है ए हो। और ये बात घर आने तक, आश्रम पहुँचने तक ये बोलते जा रहा है। तो शिष्य ने उनसे कहा, उस लड़की को मैं वहीं छोड़ दिया, आप यहाँ तक लेके आए हो। ये है संसार। गुरु को समझाया, गुरु जी मैं उसी को वहीं छोड़ दिया, आप यहाँ तक लेके आए हैं आश्रम तक उसको। दिस कॉल्ड ड्रैगिंग द संसार विथ अस। एक आजकल मैं एक टीवी में एडवर्टाइज देख रहा हूँ, कहीं एक जगह पे देखा, ये दीवारें नहीं है यादें हैं। एक कोई पेंट फोटोज का, ये दीवारें नहीं है यादें हैं, बेवकूफ है, क्या करोगे यादें सब, तुम्हारा शरीर मिथ्या है, तुम्हारा जन्म मिथ्या है, तुम्हारा मृत्यु आ जाएगी, कोई किसी को क्या यादें हैं, ये यादें हैं ना, यादों की बारात, यही संसार का प्रवेश। तो भगवान क्या कहते हैं, अवसर न देना है, किंचन न दे यह विषयानुचिंत, विषय चिंतन के द्वारा जरा सा भी मौका नहीं देना है, क्योंकि विषय चिंतन अंदर प्रवेश करेगा अहंकार को और पुष्टि कर देता है। आगे भी बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है। तो कहते हैं सजीव संजीवन हेतु हो, संजीवन हेतु तो समझ में आ गया ना आपको, बस पुनर्जीवित करने का कारण क्या है, यही है।
बार 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 सोचते रहोगे उस वस्तु के प्रति आप आकर्षित हो जाते हैं, अहंकार पुष्टि हो जाती है, फिर चाहते हैं, पाना चाहते हैं, ये सब प्रॉब्लम है। इसलिए कैसे है, संजीव सयेव संजीवन हेतु हो अस्य अस्य अहंकार से प्रक्षीण जंबीर तरोह इव अम्बुः। देखिए कैसे एक जम सूखा हुआ पेड़ है, जंबीर तरु उसका नाम जंबीर वृक्ष, एक सूख गए पूरा, एक बूंद जल डाला फिर वंकृत हो जाए पूरा, एकदम सारे पत्ते आ गए, फूल आ जाते हैं, सब कुछ फिर खड़ा हो जाता है पूरा वृक्ष। सूखा हुआ पेड़ को पानी डालने से जैसा फिर पूरा वृक्ष खड़ा हो जाता है, इसी तरह अहंक सूख गए अहंकार को पुनर्जीवित करने का ये कि मार्ग है। कौन सा मार्ग है, विषय चिंतन। विषय चिंतन का मतलब क्या है, डोंट ड्रैग द वर्ल्ड इन योर माइंड। जैसे बस में जा रहे हो सारा संसार को ले जाते हो, पर्स में खोलो सारा संसार है, लैपटॉप खोलो सारा संसार है, मोबाइल खोलो सारा संसार है, हम हमारे संसार को साथ में ले जाते हैं ना, यही प्रॉब्लम है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं इस तरह यही रास्ता, यही विंडो है, खिड़की, संसार अहंकार के पुष्टि कहाँ से होती है, विषय चिंतन से होती है। ठीक है, और भगवान कहते हैं देहात्मना संस्थित एव कामी, विलक्षण कामयिता कथम स्यात्, अतोर्थ संधान परत्वमेव। वेद प्रसक्त्या भवबंध हेतु हो, देहात्मना संस्थित एव कामी, विलक्षण कामयिता कथम स्यात्, अतोर्थ संधान परत्वमेव, वेद प्रसक्त्या भवबंध हेतु हो। देहात्मना संस्थित एव कामी, कामी कौन होता है, कामी पुरुष माने कामवान, मांगने वाला, चाहने वाला कौन होता है, भगवान कहते हैं देहात्मना संस्थित एव, जिसको देह के साथ तादात्म्य है, जबरदस्त तादात्म्य, जितना तादात्म्य उतना कामी है। बाल बाल से लेकर के तादात्म्य है तो फिर डाई डाई से लेकर के आपका तादात्म्य हो जाता है। समझ में आ गया बात, सो पीपल डाई फॉर डाई, क्यों, बाल के साथ भी तादात्म्य। देह आत्मना समस्तिति ही बढ़िया है उदाहरण, देहात्मना सम माने सबसे पहले शरीर मन बुद्धि के साथ तादात्म्य होने से शारीरिक सुख, बौद्धिक सुख, मानसिक सुख को चाहते रहते हैं। मानसिक मनो में भी से तू मेरे साथ में रहो हमेशा, मुझे छोड़कर मत जो, किसी के प्रति ऐसा मोह, किसी रिश्ते में मैं अकेला नहीं रह सकता हूं, मानसिक डिपेंडेंस है, मोह। तो बुद्धि के साथ तादात्म्य होने से, मन के साथ तादात्म्य होने से, शरीर के साथ तादात्म्य होने से क्या होता है, कामी बन जाएंगे। माने कामी पुरुष वह है जो है, जो इन तीनों शरीरों के साथ तादात्म्य के साथ रहता है, जितना तादात्म्य है उतना कामी।
ये सब सूत्र है, ये सब एक्चुअली यू शुड राइट डाउन दिस प्रिंसिपल्स है जीवन में, अंडरलाइन करें, जितना तादात्म्य उतना काम ही। तो अब देखिए क्या होगा, भगवान क्या कहते हैं, जितना आप विषय चिंतन करते हैं पहले पिछले श्लोक में, उतना आप का अहंकार की पुष्टि हो जाती है ना। तो आप याद कराइए श्लोक गीता का, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषोपजायते संगात संजायते कामः। देखिए कामात क्रोधो भिज, तो ध्यायतो विषयान, लगातार विषय चिंतन करने से क्या हुआ, कामात, देखो ध्यायतो विषयान पुंसः, सो लगातार विषय चिंतन करने से अल्टीमेटली काम के ओर ले जाएगा। संगस्तेषु उपजायते, पहले संग भाव, संगात संजायते कामः। ठीक है, वो आगे हम अभी अभी प्रसंग में नहीं आए हैं, तो काम तक छोड़ देंगे। तो ध्यायतो विषयान पुंसः, इसीलिए स्टेजेस ऑफ अटैचमेंट, एक महात्मा जी ने कहा, शास्त्रों का सार ही है ये सब कुछ, क्या है, किसी एक चीज को देखा आपने, इट इज वंडरफुल, इट इज ब्यूटिफुल, इट इज फैंटास्टिक, ऐसा कहा, एक प्रकार का स्नेह हुआ, ये फर्स्ट डिग्री स्नेह माने अटैचमेंट। मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ एक उदाहरण, मैं कहीं एक जगह पे गया था, पूजा मंदिर को देखा, स्वामी जी बहुत पूजा मंदिर बहुत बढ़िया है, ऐसा कहा, स्वामी जी ने कहा ले जाओ, बोले मेरी इच्छा नहीं है, वो ये इच्छा का ही शुरुआत है, उन्होंने कहा, पहले विषय वस्तुओं को तारीफ करना फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजायर है। बहुत भाई सूक्ष्म है, हंक प्रवेश कर रहा है धीरे धीरे, कैमल का ऊंट का सिर अंदर आने लग गया अपने चावड़े के अंदर। फर्स्ट वन वंडरफुल, सेकेंड डिग्री क्या होता है, इट इज वर्थ हैविंग इट, सेकेंड डिग्री स्नेह, हम कहते हैं कि ना इट इज वर्थ हैविंग इट, वर्थ हैविंग सच ए कार, वर्थ हैविंग सच ए बिल्डिंग, ये सब डिजायर्स है। आई डोंट नो हाउ ईश्वर इज मैनेजिंग ऑल ऑफ अस, वो ईश्वर है इसलिए वो सकता, बट पता नहीं, संसार को चलाने वाला ईश्वर ही हो सकता है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, एक एक मुंड में मति भिन्ना, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना माने एक एक खोपड़ी के अंदर एक एक विचार, दो आदमी का विचार एक जैसा नहीं हो सकता। अद्वैत सिद्धांत में भी अनेक प्रकार के सिद्धांत हैं, बहुत शाखाएं, शाखाएं माने विचार हैं। तो पहला क्या है, इट इज, बहुत बढ़िया है, अप्रिशिएट करोगे, पहला स्नेह डिग्री। सेकंड स्तर क्या है, वर्थ हैविंग इट। तीसरा बताओ, आई वॉन्ट इट, ये मुझे चाहिए। और चौथा बोला, इसके बिना न जी रह नहीं सकता हूं। इसके बिना रह नहीं सकता हूं, बस ये विषय चिंतन, आप जितना विषय चिंतन से आपका मन अंदर इनो बिगड़ गया, उतना अहंकार बढ़ जाता है कि मैं कैसी तरह से प्राप्त कर लेता हूं, कुछ भी हो जाए, पैसा ले लो, कुछ भी हो जाए, मेहनत करेंगे, चोरी करेंगे, मार देंगे,
प्राप्त कर लेता हूं। सो देहात्मना संस्थित एव कामी एव माने एलोन। देखिए देहात्म के साथ जिसका तादात्म है वही कामी हो सकता है और कोई नहीं। विलक्षण है, विलक्षण माने जो ब्रह्मात्मना संस्थित, विलक्षण माने इससे विलक्षण, अदरवन। अदरवन माने कौन है? ब्रह्मात्मन भावेन संस्थित, जो ये शरीर के साथ नहीं, मैं शुद्ध अहम हो, परमात्मा शरीर का विलक्षण हो, चैतन्य रूप हो, ऐसा इस भावना में, इस ज्ञान में, जिसको ये जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ और उसमें संस्थित वेल एस्टैब्लिश्ड विलक्षण कामयिता कथम स्यात्, वो कामी कैसे बनेगा? देह के साथ कोई संबंध नहीं है मेरा, बस ये शरीर सी इन द एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस शरीर मात्र रहना, इट इज लाइक समवेयर स्मॉल थिंग इज हैंगिंग समवेयर इन माई एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस, कहीं कुछ लटक रहा है। मजबूत नहीं है शरीर के साथ ताल, बिल्कुल नहीं है, अलग हो गया है शरीर से, और कहीं है बस, कहीं कुछ शरीर करके एक पदार्थ लटक रहा है, उसको देखभाल देखना है। जब तक वो है, पकने के बाद वो अपना आप अलग हो जाता है, पेड़ से वृक्ष से जैसा फल, पका हुआ फल अपने आप अलग हो जाता है, इसी तरह शरीर भी अलग हो जाता है। प्रारब्ध को पकने दो, प्रारब्ध को पकने दो, ये शरीर कभी भी गिर जाएगा। विलक्षण कामयिता कथम स्यात्, देखिए सो देहाभिमानी कौन है? जो विषय चिंतन करता है उससे विलक्षण क्या करता है? विषय चिंतन बिल्कुल नहीं करता, वो काम ही नहीं होता। अतः देयरफॉर अर्थसंधान परत्वम एव, अर्थसंधान परत्वम एव भेद प्रसक्तिया भवबंध हेतु। अर्थ संधान माने ड्वेलिंग, कॉन्स्टेंटली चिंतन, संधान अनुसंधान करना अपने आप को, विषय चिंतन से, विषय वस्तुओं से अपने आप को, मन को, बुद्धि को जोड़ना, इसके बिना मेरा रहना नहीं होगा। आजकल हम बता रहा मैं आपको भाई, एक मिक्सर नहीं काम किया तो चटनी नहीं बनता उस दिन, क्यों हाथ से पूछो? मुझे नहीं, मुझे नहीं आता। स्वामी जी इसमें मिक्स बिजली गई, चटनी बनाना है आपको, चटनी खिलाना है, बिजली नहीं है तो आप बैठोगे आधा घंटा? अम्मा चटनी के बिना खिला दो। नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, आप अपना घर, हमारा घर पहले बार आए हो, चटनी को छटवाने के बिना मेरा प्रारब्ध है, रुकोगे रोगे? अम्मा हाथ से पीस लो, कौन सी चटनी पीसने आपको? धनिया पत्ता धनिया पत्ता की चटनी बनाने के लिए आपको मिक्सचर चाहिए, शर्म नहीं आते? उस पत्ते का क्या, कितना दम है बेचारा धनिया पत्ता, हाथ से पीस सकते हैं, जो चटनी बना सकते हैं वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट, दैट्स कॉल्ड, क्या कहते हैं, अर्थ, अतः अर्थ संधान माने कॉन्स्टेंटली ड्वेलिंग, फिलिंग अवर थॉट्स, फाइंडिंग अवर थॉट्स, कीपिंग अवर थॉट्स ऑन इट, कॉन्स्टेंटली अर्थ चिंतन ही भवबंध हेतु हो, बढ़ जाती है इतना तक कि आप बता के भी मरोगे, मैं इसी खानदान में जन्म लूंगा। क्या माया बताया,
अब आपके ग्रैंड ग्रैंडसन की शादी नहीं देखा तो क्या प्रॉब्लम है आपको बताओ अभी? नो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, देख देख के बिना मैं मर नहीं सकती हूँ। इन कोमा कंडीशन शी वॉज टेकन फॉर वेडिंग एंड विथ टू क्लिप्स आईज वर ओपेंड। क्या मोह है सब। तो अर्थ संधान परत्वम, परत्वम माने कंप्लीट डेडिकेशन, चिंतन, लगातार चिंतन एव। और कैसे? भेद प्रसक्तिया। प्रसक्ति कहां से आई? भेद, भेद माने भोग्य भोक्तृ भेद। ये भोग्य वस्तु है, मैं भोक्ता हूं, भोक्ता भोग्य, भेद के कारण ये सारा संसार बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। सो देहात्मना संस्थित एव कामी विलक्षण कामयिता कथम स्यात्, अतः अर्थसंधान परत्वमेव भवबंध हेतुः कथम भेद प्रसक्त्या। ठीक है, भेद प्रसक्ति के कारण भवबंध हेतु। ठीक है, नाउ अब यहाँ से एक और एक अद्भुत बात विचार। कार्य प्रवर्धनात् बीज प्रवृद्धि, ओ सॉरी सॉरी, कार्य प्रवर्धनात् बीज प्रवृद्धि परिदृश्यते, कार्यनाशात् बीजनाशः तस्मात् कार्यं निरोधयेत्। कार्य प्रवर्धनात् बीज प्रवृद्धि परिदृश्यते, कार्यनाशात् बीजनाशः तस्मात् कार्यं निरोधयेत्। देखिए, हम क्या सोचते हैं, अहंकार कारण है और कर्म कार्य है। सही है ना? सही है कि नहीं? अहंकार कारण, कर कारण ही है ना, मैं अहम करता हूं, अहंकार कारण है और कर्म कार्य है। अविद्या काम कर्म, अविद्या माने अहंकार ही है। तो अहंकार, जितना अहंकार, राजसिक अहंकार, सात्विक अहंकार, तामसिक अहंकार, तीन प्रकार के अहंकार हैं। अब राजसिक अहंकार में देखो या तामसिक अहंकार में देखो, किसी भी प्रकार का अहंकार आपको कार्य के प्रति ले जाता है। तो अहंकार ही कारण है और कार्य क्या है, इफेक्ट क्या है, कर्म। तो जितना अहंकार का बल जितना है, उतना ज़्यादा आप कर्म करते रहते, कर्म में फंसे रहते हैं। और भगवान कहते हैं उल्टा भी सच है, कारण अहं, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ध्यान से सुनिए, कारण अहंकार है, कार्य कर्म। तो कर्म की वृद्धि का कारण क्या है? जितना अहंकार है, जितना हम ममत्कार है, उतना हम कर्म करते हैं, कर्म की वृद्धि होती है, कर्म में रमते हैं, प्रयास करते हैं, कर्म में थक जाते हैं। ये बात हो सही है? तो अहंकार कर्म को बढ़ाता है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं यही नहीं, कर्म भी अहंकार को बढ़ाता है। किसी प्रकार का कर्म, सात्विक कर्म भी अहंकार बढ़ाता है, सात्विक अहंकार।
राजसिक अहंकार कुछ कर्म राजसिक अहंकार को बढ़ाता है, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म तामसिक अहंकार को बढ़ाता है। बोथ वेज इट इज ट्रू। देखिए माने अहंकार कर्म को बढ़ाता है और कर्म अहंकार को बढ़ाता है। सर जो कुछ लोग ना कर्म करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, ये करना वो करना, हमेशा मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ, ये रखती हूँ, बिजी कौन से किस काम में बिजी रखते भगवान जाने, मगर बिजी रखती हूँ बिजी रखती हूँ बिजी रखती हूँ, वो भी अपना अहंकार है। इतना बढ़ा जाता है अहंकार के पूछो मत। सो कार्य प्रवर्तनात बीज प्रवृत्ति ही, ठीक है, कार्य प्रवर्तनात, कार्य माने कर्म, कर्म प्रवर्धन ज्यादा करने से कर्म का बीज माने अहंकार वृद्धि ही परिदृश्यते। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं गीता में, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। मॉडरेट, युक्त माने मॉडरेट, युक्त आहार और युक्त विहार, युक्त स्वप्न युक्त अवबोधस्य। देखिए युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्म में युक्त बहुत, एक ही काम कर्म करते रहो रखते रहो पसीना निकलते रहो और बोलते रहो कि मैं तो कर्मिष्ठ हूँ मैं कर्मठ हूँ मैं कर्मठ हूँ मैं कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, आप करते रहोगे करते होगे, सात्विक कर्म भी हो राजसिक कर्म भी हो सामसिक कर्म भी हो कुछ भी कर्म हो अहंकार को बढ़ा देता है। सात्विक कर्म भी सात्विक अहंकार को बढ़ा देता है। मैं इतने साल से सत्संग जा रहा हूँ, मैं लगातार सेवा करते आया हूँ, ये भी सात्विक अहंकार। और जितना तामसिक अहंकार से छूटना मुश्किल है और सात्विक अहंकार से छूटना और भी मुश्किल है। देखिए विद्या अविद्या के बारे में ईशावास्योपनिषद में क्या कहा गया, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतमश्नुते, ठीक है, मगर बाद में बताया कि अविद्या से भी ज़्यादा बेहतरीन नरक में जाओगे विद्या के द्वारा उपासनया, कैसे वो हमें बताया गया। तो इसीलिए कार्य प्रवर्तनात्, इसलिए कर्म करो, कर्म आवश्यकता है आवश्यक है, मगर कर्म करते रहोगे उस कर्म से आपको नया अहंकार निकलता है। आई हैव बीन वर्किंग फॉर चिन्मया मिशन फॉर द पास्ट 29 years। ओ ग्रेट स्वामी जी, दिस इज माई 55th एनिवर्सरी इन चिन्मया मिशन। वाओ, मैं गुरुदेव को देखा हूं, ओ I directly met him. I see. Fired by him. Oh, very good. ये भी अहंकार है। हाँ, अरे रामा रामा रामा, सात्विक अहंकार भी बहुत भयंकर है, उसको पहचाना भी मुश्किल है, नरम सा दिखता है। हाँ बैठो, बैठ सकते हैं तो तुरंत मिल जाएगा आत्मज्ञान। बोल, बस सच बात है। इसीलिए मैंने कहा व्यावहारिक अहंकार दुनिया को आगे खींचना नहीं, ले जाना नहीं, मैं भी बताया ना आपको, डोंट कैरी फॉरवर्ड संसार को। आज का काम हो गया बस सो जाना, कल कल के बातें आज यादों के बारात, संसार खींचना नहीं। जितना इसलिए जितना हम पास्ट के बारे में बात करते हैं उतना अपना अहंकार की पुष्टि होती जा रही है।
एक बार बताओ, ये सच है? सच क्या है? Nobody is interested in your past. आप बात क्यों करते पता नहीं। मैं वहां गई हूं, सुन तो सुनो तो क्या सुनो? क्या क्या फर्क पड़ता है? Nobody is interested. और स्वामी बनोगे तो सुनना पड़ता है सबका पास्ट। सब अपना अपना पास्ट लेके आते हैं। सुनिए स्वामी जी, मेरी कहानी बताता हूँ। सिर पकड़ के बैठना पड़ेगा। हाँ जी, फिर भी लोग बुलाते हैं ना बाहर। बोलो स्वामी जी को मैं आई हूँ। अच्छा ठीक है, आ गए बाहर, आपसे बात करनी है। हाँ करिए। कल क्या हुआ बताए? कल क्या हुआ बताए? अब क्या हुआ? बस ये हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया है। और कुछ? कुछ नहीं, प्रसाद लो, बस ठीक है। बाप सुख तृप्ति स्वामी जी के सर पर, हमारा टोकरी को उल्टा करके जो भी तप डाल दिया, मेरी टोकरी खाली हो गए, बस बढ़िया है, हल्का हल्का जाती हूँ घर अभी। मैंने कल उदाहरण दिया आपके बारे में, जीवन भर बोलते रहेंगे अहंकार। यू विल स्टॉप टॉकिंग ओनली फ्रॉम टुडे। तो यहाँ तक, इस क्षण तक बोलते रहोगे। क्या कहते हैं? कार्य प्रवर्तनात् बीज प्रवृत्ति परिदृश्यते, कार्यनाशात् बीज नाशः। देखो, जितना कार्य नाश करोगे बीज नाश हो जाएगा। देखिए, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई कर्म आपने शुरुआत नहीं किया, राइट? सपोज एक वहाँ पे किसी, मैं बोलना चाहता हूँ, कोई भी कहीं पे आप कुछ कर्म का आरंभ किया, वहाँ पे उतना अहंकार नहीं होता आपको। पहला दिन, दूसरा दिन नहीं है, तीसरा दिन नहीं, एक साल के बाद एक साल का अहंकार इकट्ठे हो गए, मोटा हो गया कि नहीं? अब 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, हैज सर्व्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 36 ईयर्स स्वामी जी। ओ, कुछ तो बोलो, राम राम बोलो। आई ऑब्जर्व्ड वन थिंग, मोस्ट ऑफ द केसेस दोज हु ऑक्युपाइड हाई पोजिशंस इन लाइफ, सरकार में, प्राइवेट में, कहीं पे भी हाई पोजिशंस, आजीवन पर्यंत उनको आज्ञा देने की आदत हो गई। हेलो, इधर लाओ, उधर लाओ, पानी लाओ, उधर लाओ, उधर, वो आज्ञा देने की जो आदत बन चुकी है जीवन भर। वे लोग कोई आध्यात्मिक संस्था या एनजीओ या नहीं तो कोई सेवा संस्था में जब चले जाते हैं, बेचारे लोग सोचते हैं ये अनुभवी है, बहुत काम किए हैं, अनुभवी है, महाराज आप हमारे यहाँ बैठिए, कुछ काम कराइए। वो कुछ करता नहीं, करवाते रहता, डांटते रहते सबको। देयरफॉर आई फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनफिट फॉर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज इफ यू कैरी फॉरवर्ड दैट फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी, माय एक्सपीरियंस, किसको चाहिए भैया आपका अपना अनुभव? अगले जन्म में क्या है? जन्म ए दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे दम, मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, यही है स्नेह। भगवान कहते हैं कार्य नाश, तो इसलिए लिमिटेड एक्टिविटी करो, हर जगह कूदना, हर जगह ध्याना। आप बनते जाओगे, जो भी नया कार्य शुरू किया, पहला दिन अहंकार नहीं है, एक हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद एक प्रोफाइल बन जाता है। मैंने कल कहा था ना,
कैसे प्रोफाइल बनता है, टुकड़ा 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 टुकड़ा, यहाँ का टुकड़ा वहाँ का टुकड़ा जुड़ जाए फिर प्रोफाइल बन गया। इसलिए एक महात्मा जी ने कहा कि आपका अपना सर्टिफिकेट टांग के रखते हैं ना घर में, एम टेक है, एम ए है, वो है, ये है, वो है, तो इट इंडिकेट्स व्हाट इज योर नॉलेज और विजडम। सर्टिफिकेट इंडिकेट्स व्हाट? अरे बाबा बोलो ना, योर सर्टिफिकेट इंडिकेट्स व्हाट? नॉलेज। ओके, एक्चुअली इट इज इग्नोरेंस इंडिकेटिंग। माने सर्टिफिकेट के द्वारा जो आप नहीं हैं वो ज्यादा है। मैं इंजीनियर हूँ, माने डॉक्टर नहीं है, लॉयर नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, जो नहीं है वो ज्यादा है। मैं ऑर्थोपेडिस्ट हूँ तो इसको माने ऑर्थोपेडिशियन हूँ, माने मैं जो नहीं हूँ ज्यादा है, लिमिटेशन वो ज्यादा है ना। सो आपका सर्टिफिकेट क्या दिखाता है, अपना अज्ञान या अज्ञान? अज्ञान। देखिए, इसलिए सर्टिफिकेट टांगना नहीं घर पर। टांगने से आप अपने सबको बोल रहे कि मेरा नॉलेज सीमित है, ये तो पूछे भी ना कोई पता नहीं लगता किसी को भी। तो कार्यनाशात बीज नाश तस्मात कार्यम निरोधयेत, देयरफॉर कंट्रोल योर कार्यम एक्टिविटीज। ठीक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।